अस्सलामुअलैकुम, मैं अवैस अकरम और आपसे बात कर रहा हूँ universitiespay.com की तरफ से। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा कंसल्टेंसी चैनल है और वेबसाइट भी है जिस पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको टाइमली वीडियोज़ मिलती रहें। आज मैं आपको बताऊंगा थाईलैंड के विज़िट वीज़ा के बारे में। थाईलैंड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ओवरऑल थाईलैंड का एनवायरनमेंट कैसा होता है एक्सेट्रा। थाईलैंड साउथ एशियन कंट्री है जिसका कैपिटल बैंकॉक है और ये साउथ और ये एशिया में नंबर सेकंड पे है टूरिज्म में, फर्स्ट चाइना और नंबर सेकंड पे है रैंकिंग में थाईलैंड। थाईलैंड की जो करेंसी है उसे थाई भात कहते हैं और थाईलैंड का जो वेदर है वो नॉर्मली 20-30 टेम्परेचर्स डिग्री सेंटीग्रेड इसके दरमियान रहता है, जो एवरेज वेदर है। तो दुनिया भर से तकरीबन 20 से 30 मिलियन ईयरली यहाँ लोग जो है विज़िट के लिए ट्रैवल करते हैं और ये मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है ट्रैवलिंग के लिए। तो रिसेंटली जो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम्स आई थी वो एक सोल्यूशन आ गया है। थाईलैंड जो है वो फुली वैक्सीनेटेड पीपल को वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, नॉर्मल बेसिस पे, और उसके लिए जो अच्छी बात है वो किसी किस्म के क्वारंटाइन की ज़रूरत भी नहीं है। तो थाईलैंड में बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बहुत सारे सी साइड्स हैं, सी साइड जज़ीरों पे ये मुश्तमिल है, सी साइड्स फॉरेस्ट, तो ये एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है। अब मैं आपको बताता हूँ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं थाईलैंड के लिए वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले पासपोर्ट, अराउंड 3-6 मंथ्स वैलिडिटी, 2-3 एम्प्टी पेजेस, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ, जो कि 4 रिक्वायर्ड होती हैं आपको। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी आप एडिशनली उन पेजेस की कॉपी लगा सकते हैं। रिटर्न फ्लाइट टिकट, उसकी बुकिंग आपको शो करानी होती है, होटल बुकिंग, और इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत होती है, तकरीबन मिनिमम 8-10 लाख होनी चाहिए जो बेहतर है। NTN टैक्स रिटर्न्स, ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होती है। इसके अलावा FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी आपको प्रोवाइड करना होता है। इसका जो एप्लीकेशन टाइम है वो नॉर्मल वीज़ा एक्सेप्टेंस का 2-3 वीक्स है, अराउंड 15-20 डेज जो है वो आपको रिप्लाई कर देते हैं, आपके वीज़े का स्टेटस अपडेट कर देते हैं। तो इन सब के बाद आप डेफिनेटली थाईलैंड का टूर करना चाहते होंगे, जिसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। आप स्क्रीन पर हमारा नंबर देख सकते हैं जिस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करें, हम उनको एवेलुएट करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स फर्दर रिक्वायर्ड होंगे वो भी आपको बताएंगे, ताकि आपकी एक स्ट्रॉन्ग जो है एप्लीकेशन उसको प्रोसेस किया जा सके और आपके जो वीज़ा लगने के चांसेस हैं वो मैक्सिमम हों। शुक्रिया।